देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ चली है। इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों का शुक्रवार को स्वागत समारोह होने जा रहा है। स्वागत समारोह के बहाने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन की मजबूती तलाशने की पूरी तैयारी में। वही सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी में लगी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मजबूती के साथ अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में। इसमें सबसे पहले सियासी जनाधार की मजबूती महाराष्ट्र में तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यही सियासी संदेश देने के लिए शुक्रवार को अपने सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक स्वागत समारोह के माध्यम से करने जा रही है। इस स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी न सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाएगी बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का पूरा खाका भी खींचेगी। इसके लिए पार्टी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर महाराष्ट्र का पूरा सियासी रोड मैप तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अपने सांसदों के स्वागत समारोह का आयोजन किया है वह आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिहाज से बनाया गया प्लान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पर पार्टी अपने विस्तार के लिए ये सभी प्रयास भी कर रही है और उसमें सफल भी होगी। चौधरी कहते हैं कि आगे जो भी रणनीतिक तैयारी की जा रही है वह पार्टी के भविष्य के विजन के लिहाज से तैयार हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ छत्रपति शिवाजी को नमन कर सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेक कर आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में इस बार होने वाली एंट्री के साथ इंडिया गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी में चिंता की लकीरें जरूर पड़ने वाली है। अब ऐसे में देखना यह है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में सपा किसकी मुश्किलें बढ़ती है, क्या इंडिया गठबंधन सपा का साथ लेती है कि नहीं।